सुन रहे हैं गांव बधिरा बधिरा नकबई राजस्थान में। इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीतन वस्त सिंगा सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जान खंदौली आगरा उत्तर प्रदेश से। पेड़ की झनका सुन रहे हैं पंडित घनश्याम जी रूपा से। इसकी ऑडियो व वीडियो की रिकॉर्डिंग जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जनुथर राजस्थान से। आइए एक और धमाकेदार प्रस्तुति आप लोगों तक पहुंच रही है, सुनिएगा। हाँ बंधुओं, बड़ा भाई सिंदुल जिसका एक बेटा था उसका नाम था भोज कुमार। बड़ा भाई सिंदुल मृत्यु के करीब था, अपने छोटे भाई मुंज को पास में बुला लिया। आहा, पास में बुलाया, कहा भाई आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूं लेकिन जो मेरा बेटा है मैं इसको आपके हवाले सौंप करके जा रहा हूं। कहा मेरे बेटे को पढ़ाना लिखाना, इसको बड़ा करना, इसको चाप से रखना। आहा बंधुओं, ऐसा कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन इधर इधर छोटे भाई मुंज के मन में यानी भोज कुमार के चाचा के मन में खोट आ गया। सोचने लगा ये बेटा जब बड़ा होगा तो मुझसे आधे राज्य को छीन लेगा, इसलिए षड्यंत्र रच दिया। सोचा क्यों ना मैं इस बच्चे को मरवा दूं जिससे पूरा राज्य का मैं अधिकारी हो जाऊंगा। आहा मेरे प्रिय श्रोताओ, आप आज मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा जाओ इस बच्चे को बियावान जंगल में ले जा करके मार दो। आहा मेरे प्रिय श्रोताओ, भोज कुमार पाठशाला में पढ़ने के लिए गया हुआ था। इधर इधर मंत्री पाठशाला में पहुंचा, बच्चे को लेकर के बियावान जंगल में पहुंच गया। इधर माँ महलों में इंतजार कर रही है। कहते हैं माँ तो माँ होती है, माँ की जो ममता होती है बेटे के लिए वो किसी की ममता नहीं हो सकती। आज शाम हो गई, महलों में इंतजार कर रही है, माँ रो रही है, बिलख रही है, कैसे पवन भैया क्या लिख दिया। कहा है कि तुम्ही कुढ़े भोज की मैया, कै तुम्ही कुढ़े भोज की मैया और कुमार न अब तक आयो है और जाने कहा खेल तो हुए गो सुबह को भोजन खायो है कोई, सुबह को भोजन खायो है। Yeah.
से कहा गया, पाठशाला में पढ़ने के लिए गया हुआ था लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। कहा तोड़ खाया तुम्हा मेरी, तोड़ खाया तुम्हा मेरी, कौन कहा बिरमायो है। और आज रोते रोते अपनी देवरानी के पास में पहुंच गई। अरे तोड़ खाया तुम्हा मेरी, कौन कहा बिरमायो है। ऐसे वचन सुनायो है कोई, ऐसे वचन सुनायो है, ऐसे वचन सुनायो है कोई, ऐसे वचन सुनायो है, ऐसे वचन सुनायो है कोई, ऐसे वचन सुनायो है, दौरानी के भवन में जाए। हमारे बीच जिला परिषद सदस्य आदरणीय जवाहर सिंह जी, सरपंच साहब सुनील जी, नगला शोगरिया, आपसे निवेदन है मंच पर पधारे। आहा मेरे प्रिय श्रोताओं, जब देवरानी के पास में पहुंची जाकर के सारी स्थिति बताई, बंधुओं देवरानी समझ गई बात क्या है। कहा कि भोज कुमार ना मिले आज प्राणंते प्यारो, रानी गई समझ कंथन है बादरा, कोई दियो बनी में मार, अरे सत्यानाशी कंथन है दहे पूरे जुलमा, सो खाए पछार गिरी महलन में होश बदन को पाए रहे हो। आज दोनों रानी पछार खा करके महलों में गिर जाती है। आहा बंधुओं, कभी लिख रहा है दोनों की शोभा के बारे में वर्णन किया है, कैसे किया है भैया। अरे बिगड़ गई शोभा रे सब तन की, अरे बिगड़ गई है शोभा सब तन की, और छाती के, अरे छाती के और फट तक बार जेठ जाने पर लई मन की। आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं, चरणों में सर झुका करके आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये 1000 रुपए का पुरस्कार जो कि आपके बीच में चाहरवाटी से चल करके आए हैं, हमारे श्री भूपेंद्र चाहर जी प्रधान जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माता जी की तरफ से मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा
सौ कमी खाई रही गोथा।